खर्चा नहीं लगता, बहुत कम खर्चे में, पानी भी कम है, लेकिन पैदावार जो हम जैसे जो गेहूं फसल बाते हैं सरसों वगैरह, उससे 5 गुना इसमें हमारे को बेनिफिट मिलता है इसमें। और 225 पेड़ इस बाग में, तो आप लगा लिए कितना खर्चा आएगा कितना नहीं, फिर भी 5-6 लाख रुपए का बाग बैठता है, 1-1.5 लाख का खर्चा भी करते हैं हम, तो भी हम फसल से बहुत बेहतर 4-4.5 लाख का बाग खर्चा काट के बैठ जाता है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और आज हम ग्राम पंचायत विजयपुरा के लीलामडा गांव में पहुंचे हैं। यहां पर एक आपको ऐसे काश्तकार से मिलाना चाहेंगे आज हम, जो कि काफ़ी नींबू के पेड़ लगा रखे हैं, संतरा के लगा रखे हैं, मौसमी के पेड़ ये लगा रखे हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई है उनको मोटिवेट हो सके वो कि किस तरीके से हम नींबू की खेती कर सकते हैं, कम पानी में नींबू की अच्छी पैदावार कैसे कर सकते हैं। उस किसान से मिलाना चाहेंगे और आप जाने पहचाना नाम है, कोई अनजान नहीं है उस नाम से, आप लीला मंडा में जो कि सैनी समाज के अध्यक्ष हैं भागीरथ प्रसाद सैनी, उनके यहाँ फार्म हाउस पर हम पहुँचे हैं और उनसे आज हम आपको बताना चाहेंगे, मुलाकात कराएंगे कि किस तरीके से वो नींबू की खेती कर रहे हैं और कितने समय से नींबू की खेती कर रहे हैं, कितनी आय वो कमा पाते हैं। आइए चलते हैं उनके पास और आप देख सकते हैं जो नींबू के पेड़ हैं इस समय, अच्छे नींबू इस समय उनके बागान में आ रहे हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे हम। और किसान भाई जो हैं कि नींबू के खेती से या नींबू के बागान से अच्छी पैदावार कैसे कमा सकते, अच्छे पैसे। वो ग्राम पंचायत विजयपुरा के गाँव लीला मंडा में नींबू के बागानों की सीधी तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं। करीब 8 बीघा कच्ची और 4 बीघा पक्की में ये नींबू के बागान लगे हुए हैं इस समय। स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सर आपका, आपके दिमाग में जो नींबू की जो खेती बागान वगैरह लगाने का, ये कैसे आया आपके दिमाग में? सबसे पहले तो बिंटू जी, आप मीडिया में हमारे बाग की बजट करने के लिए आए हैं तो आपको धन्यवाद, आपका स्वागत है। ये 8 साल पहले जब पानी की कमी आने लगी थी क्षेत्र में, तब हम सोच रहे थे कि धीरे धीरे पानी आगे और कम हो जाएगा, इसलिए हमने हमारे यार दोस्तों से और भी ग्राम सेवक सलाह लेकर हमने नींबू का बाग लगाया। और अब ये नींबू बाग 8 साल क्रॉस हो गया, इसमें 4 बीघा पक्की ज़मीन में लगा हुआ है, 8 बीघा कच्ची, चारों तरफ बाउंड्री के ऊपर इसमें करंजे के पेड़ लगे हुए हैं। और हम इसमें इतना खर्चा नहीं लगता, बहुत कम खर्चे में, पानी भी कम है, लेकिन पैदावार जो हम जैसे जो गेहूँ फसल बाते हैं सरसों वगैरह, उससे 5 गुना इसमें हमारे को बेनिफिट मिलता है। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है इसमें। और अब इसको हम जैविक खेती में तब्दील कर रहे हैं, ये जो रसायनिक है जो अपने दवाइयाँ हैं उनको कम करके, जैसे अड़ूष्टा है, नीम की का पत्ते हैं और अपने धतूरा है, ऐसे कुछ मिला करके वो इस पर स्प्रे करना की सोच रहे हैं हम। अभी आप जैसे कितने पेड़ वगैरह लगाए हैं नींबू के, तो कितने पेड़ हैं अपने यहाँ पे, संतरा मौसमी वगैरह आप बता रहे हैं, और कितने बीघा में आप खेती कर रहे हैं? जैसे ये खेती हमारे 4 बीघा पक्की में है, इसमें मौसमी के पेड़ भी हैं, मौसमी इसलिए लगाते हैं हमारे सूट होती कि नहीं होती, अनार का पेड़ भी वो भी हमारे सूट करता है, अमरूद भी हमको सूट करता है, और ये और भी हमारे 2-4 पेड़ हैं जैसे सीताफल का, वो भी कामयाब है। और एक इनको देख देख एक बाग मैंने बेर का और भी लगा दिया 2 बीघा का, ये 8 बीघा के अंदर कच्ची में ये तो नींबू का बाग है, और 2 बीघा में हमारे जो पड़ोस में दूसरा जो नंबर पड़ता है इसमें बेर है। और आगे चलकर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे एक अंजीर की खेती, हमारे राजस्थान में अंजीर खेती बहुत अच्छी हो रही है, उसका -3 डिग्री से टेम्परेचर 47 तक काम करती है, तो हमारे -3 डिग्री आती भी नहीं है और 47 लास्ट होता है, लेकिन हमारे कामयाब है। एक पौधा ला करके मैंने लगा भी लिया, अच्छा स्पुष्ट हो रहा है, तो अगले साल 2 बीघा में अंजीर की खेती करने की सोच रहा हूँ। नींबू की बात करते हैं, अभी कितने समय का, जैसे कितने साल का ये पौधा हो गया, और जैसे ये पौधा अगर कोई किसान भाई लगाए तो फसल भी पैदा हो सकती है क्या जैसे इसमें? इसमें 3 साल तक फसल पैदा हो सकती है, मैंने खुद ने की है, इसी ज़मीन में 50-60 हज़ार की फसल बेची है मैंने, जैसे चना है, छोटे जो एक सरसों आती है छोटे जो लंबाई नहीं बढ़ती वो भी बाई है इसमें, मेथी बाई है, तो 3-4 साल तक खेती होती है इसमें। अपन कितनी पैदावार कर सकते हैं, कितने नींबू वगैरह हर साल उतारते हैं, कितनी इनकम कर सकते हैं जैसे? ये पैदावार जैसे अभी ये पेड़ है, ये साल भर हमको 1 क्विंटल से ऊपर माल देता है, और हम आपकी बार थोड़ा मद्दा था, लेकिन मद्दा से लेकर 40-50 तक बिकेगा, ये आगे भी बिकेगा, हम 30 रुपये लेके चलते हैं, 30 रुपये के जी के हिसाब से, और 225 पेड़ इस बाग में, तो आप लगा लिए कितना खर्चा आएगा कितना नहीं, फिर भी 5-6 लाख रुपए का बाग बैठता है, 1-1.5 लाख का खर्चा भी करते हैं हम, तो भी हम फसल से बहुत बेहतर 4-4.5 लाख का बाग खर्चा काट के बैठ जाता है ये। अपन जैसे देख रेख की अगर बात करें तो देख रेख में कितने वर्कर अपने को लगाने पड़ते हैं, या क्या समय सारणी होती है इसकी देख रेख के लिए बागान? देखो पहले तो मैं खुद देख रेख करता था, लेकिन अब ये जो भाई है इसको मैंने 10,000 रुपये प्रति मंथली में रख रखा है, ये बाग का काम किया हुआ है। जब नींबू तोड़ते हैं तो
तो हम 25 रुपये एक घंटा का जो हमारी लेडीजें लेती हैं तोड़ने के लिए, वो आती हैं, उनको मजदूरी मिल जाती है और हमारा काम हो जाता है, और देख रेख में भाई लगा रहता है, इसकी ड्यूटी है। जैसे नींबू अपने जो पैदावार हो रहे हैं यहाँ, जैसे कहाँ बेचने के लिए जाते हैं नींबू को? जैसे नींबू एक ऐसी फसल है कि चाहे कहीं बेच लो अपने, मैंने भिवाड़ी नारनौल कोटपुतली से बेचता हूँ, थोड़ा माल आता है तो अपना नागपुर में निकल जाता है, लेकिन ज़्यादा माल आ रहा है तो यहाँ खपत नहीं होती तो मैं आगे बेच देता हूँ। अपन जैसे देख रेख में जैसे दवाई वगैरह की भी बात करें, तो कौन कौन सी दवाई वगैरह या किस तरीके से पौधे की देख रेख कर सकते हैं? नहीं, दवा तो एक फटने की दवा आती है जिसके अंदर वो बोरोन डालते हैं, इसमें बोरोन से नींबू फटता नहीं है, और एक ब्लू कॉपर आता है उससे इसमें जो कोरोन ये कंकर जो लग रहा है इसमें दाग है, ये उसकी दवाई उसके स्प्रे दो तीन होते हैं, लेकिन अब की बार तो कोई भी बाग अछूता नहीं रहा कि स्प्रे करते करते भी ये कंकर लग ही गए इनके, लेकिन फिर भी हमारे बाग जो डिमांड अच्छी है फल की, कोटपुतली भी जाते हैं तो हम भी 20-25-30 रुपये बिक जाता है ये। तो आप देख सकते हैं अच्छी पैदावार ये कर रहे हैं यहाँ पर नींबू की फिलहाल, और अच्छी इनकम ये कर पाते हैं। इन्होंने एक इनकी देख रेख के लिए एक व्यक्ति को भी रख रखा है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप जैसे यहाँ के जो किसान भाई हैं उनको इस बाग के थ्रू कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? जो मेरे क्षेत्र के लोग मेरे पास 5-10 आदमी आए, उनका अच्छी सलाह यही दिया था मैं कि नींबू का बाग 18x20 में बहता है, एक नींबू में कई क्वालिटियाँ हैं, लेकिन जैसे अब ये जो है देसी पेड़ हमारा, एक साल लेट आएगा लेकिन उम्र भी इसकी 25-30 साल है, तो इसी पेड़ की इसी क्वालिटी की मैंने उनको सलाह दी थी, ये 18x14 और 20 फुट के ऊपर लंबाई में लगता है ये पेड़, ताकि आगे एज बड़ा होता है तो आपसे दिक्कत नहीं आती इसमें। अच्छा, बात करें सरकार से सब्सिडी वगैरह की, तो जैसे सब्सिडी वगैरह भी जैसे कुछ मिलता है इससे सरकार से, कुछ फ़ायदा वगैरह? नहीं, सरकार फ़ायदा देती है इस पर, जैसे आपने ये जो ड्रिप सिस्टम है उस पर भी देती है, पेड़ भी देती है, लेकिन मैं तो सरकार से ड्रिप तो लिया था, लेकिन अब बाद में पेड़ दूसरे ला के लगा लिया, तो कई जगह तो 2-2 पेड़ हो गए, क्योंकि नया था ना मैं भी उस टाइम, तो कई पेड़ तो 2-2 डबल पेड़ हो गए और कई को खाड़ दिया। पेड़ कहाँ से लेके आए अपन? ये अपने अलवर से। तो आप देख सकते हैं सरकार से भी काफ़ी फ़ायदा किसान भाइयों को मिल सकता है अगर वो नींबू की खेती करे तो। हम उस व्यक्ति से भी मिलाना चाहेंगे जो इन नींबू के बागान की देख रेख करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पूर्णा जी। पूर्ण जी, ये बताएं आप किस तरीके से बागान की देख रेख करते हैं, क्या समय होता है, किस तरीके से करते हैं? हाँ जी, जैसे मैं सुबह आ जाता हूँ, सुबह आने के बाद पूरे बाग में चक्कर लगाता हूँ, कौन से पेड़ नष्ट है, कौन सी में दवाई देनी है, कौन सी में नहीं देनी है, वो देख देख के फिर पास मैं पानी छोड़ता हूँ, पानी चला के फिर जो भी कटिंग होती है सूखी डाली होती है उस पर काटा देता हूँ, जो नीचे आप चौमे तक पेड़ के नीचे बैठ के घूम सके, ये काम है। जैसे और भी जैसे कोई जानवर वगैरह से या कोई कीट वगैरह कुछ बीमारी वगैरह लगने की भी इस तरीके की आशंका होती है कि नींबू में? ना, होती है ना, ऐसी बात नहीं है, होती है, पर उसमें दवाई छिड़क देते हैं ना, जैसे 15 दिन में 20 दिन में 10 दिन में ऐसे दवाई छिड़क देते हैं। तो आप देख सकते हैं नींबू के बागान से आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और ये बता रहे हैं काश्तकार भागीरथ जी, जो कि लगभग 3 वर्ष तक आप इस बागान अगर लगाते हैं नींबू का तो उसमें खेती भी आप कर सकते हैं। ऐसी ही कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन देवेश के साथ मैं हूँ बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।